जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे दैनिक राशिफल की। दैनिक राशिफल में कुंभ राशि के 29 दिसंबर के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है, और जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर कुंभ राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले आज का विचार जान लेते हैं। और कुछ मनुष्य कार्य को तो प्रारंभ करते हैं, मगर विघ्नों को आते देख घबराकर बीच में ही छोड़ देते हैं। ये विघ्नों से लड़ने की सामर्थ्य नहीं रख पाते। परंतु कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो विघ्न बाधाओं से बार बार प्रताड़ित होने पर भी प्रारंभ किए हुए उत्तम कार्य को तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि वो पूर्ण ना हो जाए। कार्य जितना श्रेष्ठ होगा, बाधाएं भी उतनी ही बड़ी होंगी। आत्मबल जितना ऊंचा होगा, तो फिर सारी समस्याएं स्वतः उतनी ही नीची नजर आने लगेंगी। अतः इस सृष्टि में श्रेष्ठ की प्राप्ति उसी को होगी जिसने सामना करना स्वीकार किया, मुकरना नहीं। इसलिए जीवन में उत्कर्ष के लिए संघर्ष जरूरी है। चलिए मित्रों, पंचांग जान लेते हैं। 29 दिसंबर का पंचांग जानते हैं। 29 दिसंबर 2021 विक्रम संवत 2078 दिन बुधवार रहेगा। पौष मास कृष्ण पक्ष तिथि दशमी दिसंबर 9 को फिर एकादशी तिथि रहेगी। 4:12 तक दशमी तिथि रहेगी और उसके बाद एकादशी तिथि रहेगी दिसंबर 29 को। नक्षत्र स्वाति रहेगा। राहु 12:28 से 1:48 तक रहेंगे और सूर्य धनु राशि में रहेंगे और अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा, यानी राहु काल का टाइम जो मैंने बताया 12:28 से 1:48 तक रहेंगे और अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा और सूर्य धनु राशि में रहेंगे और चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। तो भाग्य भाव में चंद्रमा के गोचर के परिणाम होंगे। तो भाग्य भाव में चंद्रमा के गोचर के परिणाम सामान्य रहेंगे। नवम भाव में गोचर होगा। संतान से वाद विवाद से बचना होगा। लंबी यात्रा हो सकती है या लंबी यात्रा का प्लान कर सकते हैं। जो भी कार्य करेंगे उसमें थोड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा, क्योंकि कार्य जब ही पूरा होगा, अब जब आप ज़्यादा मेहनत करेंगे और कार्यों में थोड़ी सी आपको आज के दिन उतनी सफलता देखने को नहीं मिलेगी जितनी देखने को मिलती है। धन और मान सम्मान भी सामान्य ही रहेगा और यात्रा का योग जरूर बनेगा। छोटी या बड़ी यात्रा हो सकती है। पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, गुरु से संबंध अच्छे रहेंगे, धर्म कर्म में मन लगेगा और आपके उच्च शिक्षा अगर आप ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। अगर कोई रिसर्च आदि कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। अगर विदेश में कोई एजुकेशन शिक्षा हासिल कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। अगर आप कहीं कोई दाखिला वगैरह लेना चाहते हैं, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रोफेशनल कोर्स में, तो उसमें आज के दिन आपका काम हो जाएगा। और कुल मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म कर्म के क्षेत्र में, धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में, इन सभी चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। यात्रा का अगर कोई आपका व्यापार कारोबार है, टूर एंड ट्रेवल्स का कुछ भी, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। विदेश से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है, यात्रा से संबंधित कार्य हैं, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। आपके प्रथम भाव में गुरु का गोचर है, जिनकी नवम दृष्टि आपके नवम भाव पर है, तो धर्म कर्म में खर्च भी होगा, क्योंकि उधर आपके जो राशि स्वामी हैं वो बारहवें भाव में गोचर में है, अपनी ही राशि में है लेकिन मकर राशि में है, तो खर्चे आपके हो सकते हैं ज़्यादा। कि गुरुदेव का गोचर प्रथम भाव में है, गुरुदेव की दृष्टि नवम भाव पर है, तो नवम भाव पर दृष्टि है नवी दृष्टि, और पाँचवीं दृष्टि पंचम भाव पर है और सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हैं। पाँचवा भाव भी शिक्षा का भाव है, प्रेम का भाव है, संतान का भाव है। तो पांचवी दृष्टि जो उनकी पंचम भाव पर है, तो शिक्षा में भी सफलता है, प्रेम संबंधों में भी सफलता है, संतान से सुख मिल सकता है, संतान अब तरक्की कर सकती है या आपको संतान सुख भी मिल सकता है। तो कुल मिला के पंचम भाव के परिणाम भी अच्छे रहेंगे। बस आपको अपने
प्रेमी या प्रेमिका से वाद विवाद से बचना है, अपनी संतान से विरोध नहीं करना है फालतू की बातों को लेकर। अगर कोई भी बात आपकी संतान ऐसा कुछ करती है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए आपको करना यह है कि उसको समझाना है, व्यर्थ के बाद विवाद नहीं करनी है, बहस नहीं करनी है, विरोध ज़्यादा नहीं करना है, ऐसा विरोध नहीं करना है कि आपकी संतान परेशान हो, फिर आपकी और आपके संतान के बीच में कोई वाद विवाद बचे, कोई मनमुटाव हो, कोई मतभेद हो जो कि वो आपकी बात नहीं माने, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और सप्तम दृष्टि है, तो सप्तम दृष्टि जब गुरुदेव की सप्तम भाव पर है तो वहाँ पर भी परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि सप्तम दृष्टि है, सप्तम भाव व्यापार कारोबार का भाव है, विदेश का भाव भी है, तो आप व्यापार कारोबार में सफलता मिलेगी, और आपको अगर विदेश से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है तो उसमें सफलता मिल सकती है, अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है, विदेश जाना है आपको तो उसमें भी सफलता मिल सकती है, और आपके व्यापारिक पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, जीवन साथी से आपके संबंध बहुत मधुर होंगे, प्रेम बढ़ेगा, और जीवन साथी के साथ संबंधों में अगर कोई वाद विवाद, कोई गलत फहमियाँ पीछे से चल रही थी तो वो भी खत्म हो जाएंगी, तो इस तरह के परिणाम मिलेंगे आपको। और नवम भाव पर जो दृष्टि है, नवम भाव भी उच्च शिक्षा का भाव भी है, पिता का भाव भी है, धर्म कर्म का भाव है, आध्यात्मिक भाव है, गुरुदेव हैं वहाँ पर, तो बृहस्पति का गोचर है प्रथम भाव में, तो गुरुदेव की दृष्टि है वहाँ पर नवम भाव में, नवम भाव में गुरुदेव की दृष्टि है, और चंद्रमा का गोचर भी नवम भाव में ही है, तो नवम भाव में चंद्रमा का गोचर है, आपका मन आध्यात्मिक कार्यों में लगेगा। अगर आपका कोई ऐसा कार्य है जो अध्यात्म से जुड़ा है, योग से जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है, पूजा पाठ से जुड़ा है, तो उसमें आज के दिन आपको सफलताएं देखने को मिलेंगी, वो आपका अच्छा रहेगा, उसमें आपके परिणाम अच्छे मिलेंगे। हो सकती है लंबी यात्रा, हो सकती है यात्रा का प्लान हो सकता है, अगर यात्रा व्यापारिक होती है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, और अगर व्यापारिक नहीं भी है, कोई घरेलू यात्रा भी है, तो यात्रा अच्छी होगी, उसमें कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी, यात्रा आराम से होगी आपकी। और राशि स्वामी बारहवें भाव में है, जिनकी तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर है, परिवार के भाव पर है, तो परिवार के सदस्यों से कोई वाद विवाद ना करें, इस बात का ध्यान रखें, और आपके खर्चे तो ज़्यादा हो ही सकते हैं क्योंकि वो बारहवें भाव में है, तो उनकी तीसरी दृष्टि वहाँ पर वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। और धन के मामले में भी, वैसे तो आय भाव और धन भाव के स्वामी का गोचर आपके प्रथम भाव में है, लेकिन बारहवें भाव में शनिदेव का गोचर है, आपके राशि स्वामी हैं, हालांकि उनकी तीसरी दृष्टि धन भाव पर है, धन के मामले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अचानक लाभ और अचानक हानि के योग तो बनते हैं, तो इस समय पर आपको अचानक कोई लाभ भी हो सकता है, लेकिन कोई अचानक हानि से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और चंद्रमा जब नवम भाव में गोचर करेंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर होगी, तो तीसरे भाव पर दृष्टि होगी जो कि छोटे भाई बहनों का भाव है, आपकी पराक्रम का भाव है, तो आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा, ऊर्जावान रहेंगे, उत्साह से भरपूर रहेंगे, छोटे भाई बहनों से लाभ मिल सकता है, और आपके मित्रों से लाभ मिल सकता है, तो इस तरह के कुछ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो छठे भाव के स्वामी हैं वो चंद्रमा हैं, और उनका गोचर नवम भाव में है, तो आपको थोड़ा सा अपने पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या अगर होती है तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वैसे कोई ज़्यादा स्वास्थ्य समस्या होने की दिक्कत नहीं लग रही है, कोई दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो कोताही नहीं बरतनी है, आपको डॉक्टर से उचित परामर्श लेना है, और अगर आपको कोई लंबी समस्या स्वास्थ्य की पहले से चल रही है तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, अगर कोई लंबी स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसमें आपको कोई कोताही नहीं बरतनी है, अपनी दवाइयां समय पर लेनी है, और कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श भी लेना है, और अगर कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या होती है तो वो भी आपकी समय आने पर ठीक हो जाएगी, लेकिन उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो उसमें कोताही बिल्कुल ना बरतें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तले भुने भोज पदार्थों का सेवन कम से कम करें, तनाव ना लें, नींद पूरी लें, इस तरह का आप अपना दिनचर्या रखें, यानी स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, तो आपको इससे काफ़ी ही लाभ मिलेगा। चलिए आज के उपाय की बात कर लेते हैं, तो आज के उपाय की बात करें तो आप गाय को हरा चारा खिलाएं बुधवार के दिन, और गुरुवार को भी गाय की सेवा कर सकते हैं, आप आटे की लोई खिला सकते हैं, उसमें चने की दाल भरकर खिलाएं, थोड़ा हल्दी का तिलक लगा दें और गाय को खिला दें, तो ये उपाय आप कर सकते हैं, इनसे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो मित्रों,
आज मैंने आपको कुंभ राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।